फेज 11 के आपके एडमिट कार्ड के स्टेटस की अपडेट को लेकर और साथ ही बात करेंगे दोस्तों काफी कैंडिडेट के जो है यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म जो है यहाँ पे रिजेक्ट हुए हैं, तो दोस्तों उनको लेकर भी जो है हम इस वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और साथ ही जो है दोस्तों आपको बता दें कि इस बार जो आपकी कट ऑफ जो है इस बार यहाँ पे जो है कम यहाँ पे रह सकती है, इसके पीछे जो है क्या रीजन यहाँ पे है दोस्तों उसकी अपडेट भी जो है वीडियो के एंड में हम आपको यहाँ पे देंगे। तो सबसे पहले जो है दोस्तों अगर बात करें एडमिट कार्ड को लेकर, तो यहाँ पर जो है आप देख पाएंगे हम है अभी आपके सेंट्रल रीजन की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और यहाँ पर जो है दोस्तों आपका सेंट्रल रीजन का भी जो है वो एडमिट कार्ड का स्टेटस यहाँ पे कर दिया गया है। पर जो दोस्तों आप सिंपली यहाँ पे देख पाएंगे आपका मेट्रिकुलेशन लेवल, हाई सेकेंडरी लेवल और आपका ग्रेजुएशन लेवल, इन तीनों ही लेवल के लिए आपने जिस भी पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई किया है उसका स्टेटस जो आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे। बाकी अगर बात करें दोस्तों एनआर रीजन का, आपका कल ही जो है एडमिट कार्ड का स्टेटस यहाँ पे जारी कर दिया गया था, तो वो जो है आप एनआर रीजन की ऑफिशियल वेबसाइट से यहाँ पे डाउनलोड कर पाएंगे। अगर और यहाँ पर जो है काफी कैंडिडेट के जो है एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हुए हैं दोस्तों, जिसको लेकर जो है आप यहाँ पे देख पाएंगे रिजेक्टेड एप्लीकेशन स्टेटस फॉर सिलेक्शन पोस्ट फेज 11। तो ये जो है दोस्तों काफी कैंडिडेट के जो है दोस्तों आपकी जो है वो फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर या अदर किसी डिटेल में आपने जो है मिस्टेक यहाँ पे की होगी, तो दोस्तों आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो यहाँ पे आई होप काफी कैंडिडेट का यहाँ पे रिजेक्ट हो गया होगा। तो उसके लिए जो है आपको अलग से लिंक यहाँ पे दिया गया है, आप सिंपली यहाँ पे जो है अपना स्टेटस यहाँ पे चेक कर पाएंगे कि आपका किस रीजन की वजह से जो है एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हुआ है। अगर तो अब तक जो है आपके लगभग सभी रीजन के आपके एडमिट कार्ड के स्टेटस जो है वो यहाँ पे जारी कर दिए गए हैं, आप जो है अपने रीजन की ऑफिशियल वेबसाइट से जो है वो दोस्तों आप यहाँ पे डाउनलोड कर पाएंगे। आपका कर्नाटका केरला रीजन हो गया, सदर्न रीजन हो गया, आपका ईस्टर्न रीजन, आपका वेस्टर्न रीजन, आपका मध्य प्रदेश रीजन, इन सभी रीजन के एडमिट कार्ड के स्टेटस जो है आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको हो तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। और यहाँ पर जो है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आप यहाँ पे देख पाएंगे, आज ही जो है दोस्तों 19 जून को आपका जो है फेज 9 का जो है एक बार फिर से यहाँ पे जो है दोस्तों आप यहाँ पे देख पाएंगे आपका एडिशनल रिजल्ट जो है वो दोस्तों हाई सेकेंडरी और आपका ग्रेजुएशन लेवल के लिए जो है एक बार फिर से यहाँ पे जारी किया गया दोस्तों कैंडिडेट का, जिसमें जो है एक्स्ट्रा कैंडिडेट को यहाँ पे क्वालिफाई किया गया है। तो ये जो है आप मान के चलिए कि दोस्तों इस बार भी जो है आपके फेज 11 में भी जो है आपकी जो है दोस्तों यहाँ पे जो है वेटिंग लिस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। जो है कुछ दिन पहले ही जो है दोस्तों हमने आपको वीडियो में बताया था कि आपकी फेज 10 की भी जो है दोस्तों उसकी भी एडिशनल रिजल्ट जो है उसका यहाँ पे कैंडिडेट का जारी किया गया था। तो आपकी जो है दोस्तों डेफिनेटली आप मान के चलिए कि यहाँ पर जो है आपकी जो है दोस्तों फेज 11 में भी जो है दोस्तों आपकी वेटिंग लिस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस वीडियो में था दोस्तों इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।